मैं आशीष चौधरी स्वागत करता हूं आपका एनएमपी क्लास में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे आईटीआई के इंजीनियरिंग ड्राइंग में प्रक्षेप चैप्टर। क्या पढ़ेंगे दोस्त? प्रक्षेप चैप्टर। देखिए प्रोजेक्शन ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है आईटीआई के लिए। इसमें क्या होता है कि आपका आईटीआई में या 35 नंबर का आता है जो भी अनिवार्य होता है, ठीक है। अगर आप इसको इस प्रोजेक्शन से आए हुए क्वेश्चन को अगर आप नहीं करते हैं तो क्या है आपको फेल कर दिया जाएगा। दोस्तों क्या होता है क्वेश्चन अनिवार्य होता है, इसलिए क्या है इस चैप्टर को हम बहुत ही अच्छे तरीके से और बेहतरीन तरीके से इसको पढ़ेंगे कि एग्जाम में अगर आता है तो इसको क्या है हम तुरंत सॉल्व कर देंगे और कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी और क्या होगा हम अच्छे मार्क्स से पास हो जाएंगे। तो दोस्तों देखिए कैसे सीखा जाता है प्रोजेक्शन। सबसे पहले इसके बारे में बता दें प्रोजेक्शन। देखिए प्रोजेक्शन है दोस्त, देखिए प्रक्षेप आपका इसमें दो टाइप का आएंगे, ठीक है। इसको पहले हम इसको बताते हैं। पहला होगा एक होगा आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। क्या होगा दोस्त? आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, सममितीय प्रक्षेप। दूसरा होगा ऑर्थोग्राफिक। क्या होगा दोस्त? ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, ठीक दोस्त। लंब कोड़ी प्रक्षेप, लंब कोड़ी प्रक्षेप, ठीक दोस्त। ये हमारे क्या है दो पोर्शन है। आप पे क्वेश्चन को पढ़ लिए तो 100% आपका आईटीआई मार्क्स 90%+ जाएगा। तो दोस्त देखिए कैसे कहा है, अब इसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। देखिए आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन जो होता है सममिति प्रक्षेप, ये करता क्या है दोस्त? 2D टू डायमेंशन को किसमें चेंज करता है दोस्त? 3D में, ठीक है। कहा होता है जो वस्तुएं 2D में होती हैं उनको किसमें चेंज किया जाता है? 3D में। अलम्ब कोणीय प्रक्षेप में कहा होता है दोस्त? 3D में वस्तु दिया रहेगा, मतलब कोई भी आकृति का फिगर क्या होगा उसका इमेज जो रहेगा 3D में उसको चेंज करना होगा 2D में। दोस्त एक दूसरे का है अपोजिट है, मतलब क्या होगा आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में 2D को हम 3D में चेंज करते हैं और वही ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में 3D को 2D में चेंज करते हैं दोस्त। अब हम पढ़ते हैं आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। पहले हम आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद जब ये समाप्त हो जाएगा ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन को कंप्लीट कर लेंगे दोस्त। तो आइए पढ़ते हैं आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन को। तो दोस्त देखिए आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में सबसे पहले हम उनके जो एलिमेंट्स है बताते हैं कैसे किया जाता है। देखिए सबसे पहले इसमें एलिमेंट्स आएगा, देखिए आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में अब है, ठीक है। अब हम आइसोमेट्रिक पढ़ाते हैं, आइसोमेट्रिक लिखते हैं। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में होता क्या है देखिए कि अब इसमें आपको दो चीज बहुत ध्यान देना है। पहला आएगा आइसोमेट्रिक स्केल, सममितीय मापनी, ठीक है दोस्त। अब इसको पहले हम बताते हैं होता क्या, ठीक है। ये आइसोमेट्रिक स्केल सममितीय मापनी होता क्या है देखिए दोस्त, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन जब भी बनाते हैं तो किसी भी वस्तु को बनाते हैं तो वह वास्तविक वस्तु का तो छोटा बनता है। अब कितना छोटा बनता है दोस्त? अगर उसकी ऊंचाई मानी 100 है, 100% है, तो अपने वास्तविक रूप से क्या होता है 18.4% का तक कम बनता है। मतलब क्या होता दोस्त, अगर कोई भी वस्तु की आकृति बनाएंगे तो उसकी जो रियल में होगी उससे जब सममिति प्रक्षेप में चेंज करेंगे तो 18.4 का जगह कम हो जाएगा, मतलब का छोटा हो जाएगा, कहा जाएगा इतना कहा जाएगा कम बनता है। तो चलिए इस चीज को एक बार बताते हैं कि अब कैसे होता है चेंज। तो इसी मापनी द्वारा हम क्या करते हैं उसको चेंज करते हैं। अब मापनी क्या है दोस्त? देखिए आइसोमेट्रिक स्केल में क्या करते हैं हम कोण बनाते हैं। देखिए एक बनाते हैं 30 अंश का कोण, क्या बनाते हैं दोस्त? 30 अंश का कोण, और इसी पॉइंट से क्या बनाते हैं 1.45 अंश का कोण बनाते हैं। फाइनली कितने अंश का? 45 अंश का कोण। अब इसको नाम देते हैं ओ ए बी सी आपको बताने के लिए। तो अब देखिए होगा क्या, जो हमारा वास्तविक दूरी होगा वह ओसी पे नापा जाएगा, मतलब यहां पे क्या होगा नापा जाएगा ट्रू लेंथ को। मतलब क्या होगा ट्रू लेंथ को क्या होता है हमेशा इस 45 अंश वाले रेखा पर क्या करते हैं मापेंगे, ठीक है, समझा रहा ना। अब क्या होगा जैसे ही और हमारा जो आइसोमेट्रिक स्केल होगा वो हमारा क्या हो जाएगा 30 अंश वाली रेखा कहलाएगी, क्या कहलाएगी आइसोमेट्रिक स्केल वाली 30 अंश रेखा। अब जैसे मान लीजिए हम इस मार्कर की मार्कर है, मान लीजिए 8 सेमी का है, क्या दोस्त
8 सेंटीमीटर का है, तो हम अगर इसको सममिति प्रक्षेप बनाए तो देखें इसका वास्तविक माप से सममिति माप कितनी आता है। तो किस पे चेंज करेंगे दोस्त, मापने पे चेंज करेंगे। तो देखिए हम यहाँ क्या करेंगे, नापने का तरीका क्या है, अगर इसको हम स्केल से नाप लिए 8 सेंटीमीटर का है तो ओ से क्या करेंगे स्केल से नाप लेंगे, यहां तक क्या हो गया 8 सेंटीमीटर, ऐसे का होगा दोस्त आ जाएगा। अब हमको क्या है, जहां इस 8 सेंटीमीटर आएगा वहां से इसको ऐसे लाते हैं कि जो हमारा OA पे आधा का हो लंब हो जाए, मतलब यहां से सीधे ऐसे ले जाना है कि OA पर आधे का हो जाए, वह एक लंब हो जाए। तो जब नीचे लाएंगे ऐसे ऐसे लाना नीचे कि यहां 90 का का दोस्त कोण बने, जैसे 90 का कोण OA पे बनेगा तो हम देखेंगे जब रेखा OC से आया है तो OB को क्रॉस किया है, का दोस्त OB को क्रॉस दिया, इसको नाम देते हैं OB1। तो दोस्त देखिए ये हमारा क्या हो गया, अब आइसोमेट्रिक स्केल पे माप दिए, ये हमारा क्या हो जाएगा जो हमारा प्रक्षेप बनेगा उसकी माप हो गया, मतलब O से B1 जो दूरी होगा वही उसका क्या हो जाएगा आइसोमेट्रिक स्केल पे बनेगा। O से B1 देखिए, O से अगर C1 नापते तो ट्रू लेंथ था, जैसे नीचे लाए तो O B1 मिलेगा, O से B1 स्केल से नापेंगे जितना भी दूरी होगा वही क्या होगा आइसोमेट्रिक स्केल पे क्या होगा परिवर्तन हो जाएगा। अगर नापेंगे तो दोस्त कहा जाएगा वो कमी कितना होगी 18.4% का हो जाएगी, कमी हो जाएगी कितना हो जाएगी 18.4% का होगा, अपने वास्तविक दूरी से कहा जाएगा ये कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है आइसोमेट्रिक स्केल का पैमाना है, मापनी है, जिसपे सभी दूरी क्या करते हैं परिवर्तन करते हैं, ठीक है दोस्त। अब बताते हैं कि ये बनाया कैसे जाएगा, ठीक है दोस्त, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। पहला पॉइंट हो गया, अब दूसरा पॉइंट देखिए इसमें होगा क्या, दूसरा पॉइंट आपको बहुत महत्वपूर्ण, जब हमारा क्या होगा कोई भी फिगर बनेगा तो उसको बनाने देखिए आइसोमेट्रिक स्केल से क्या करेंगे हम दूरियों को परिवर्तन कर देंगे, ठीक है, दूरी परिवर्तन कर दिए। अब उसके बाद करना क्या है कि हमको एक रेखा खींचना है, जब हम उस दूरी को बनाएंगे मतलब जो भी फिगर रहेगा, अब 2D किसमें बना रहे 3D बना रहे ना, तो उसका रूल है। अब दूसरा रूल क्या है कि हमको एक ऐसे रेखा करना खींचना है हॉरिजॉन्टल, ठीक है, कोई बिंदु देना है और जो भी अब दूरियां रहेंगी कोई भी फिगर रहेगा तो यहां से क्या करेंगे यह 30 अंश का कोण बनाएंगे दोनों तरफ, क्या करेंगे दोस्त 30 अंश का कोण बनाएंगे और जो भी फिगर बनेगा अब इसे यहीं से कहा जाएगा दोस्त स्टार्ट हो जाएगा, मतलब समझ गया ना। अब देखिए जब भी फिगर बनेगा आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन का तो इसी पे बनेगा, 30 अंश का रेखा 30 अंश का रेखा खींचेंगे और उसके बाद क्या होगा फिगर बनाना स्टार्ट करेंगे। अब देखिए कुछ कंडीशन है कि इस पे बनने वाले फिगर होंगे कौन कौन, ध्यान दीजिएगा चीजें हम सब क्लियर करेंगे। देखिए अब इस पे बनने वाले फिगर देखिए वर्ग हो सकता है, वर्ग या आयत, ठीक है दोस्त, या तो इस पे वर्ग बनेगा या तो आयत बनेगा। तो दोस्त कंडीशन याद रखिएगा 30 अंश वाले आधार पर या तो वर्ग बनेगा या तो आयत बनेगा। दोस्त अगर मान लीजिए आपको त्रिभुज कह दे, अब यही क्लियर करते हैं कि अगर कुछ और कह देता है जैसे इसमें त्रिभुज भी आ सकता है, पंचभुज भी आ सकता है, षष्ठभुज भी आ सकता है, वृत्त भी कह सकता है, ठीक है, तो उनको कैसे बनाएंगे, हमारा कंडीशन है सिर्फ वर्ग और आयत, तो उनको कैसे बनाएंगे। देखिए जैसे मान लीजिए हमको कह दिया एक समबाहु त्रिभुज बनाइए, तो मान लीजिए थोड़ा बना बनाते हैं, अगर कह देता है कि समबाहु त्रिभुज बनाइए तो समबाहु त्रिभुज हमने ऐसे बना दिया, लेकिन कंडीशन क्या है कि हमको इस पे बनाना है, किस पे बनाना दोस्त हमारे जो आधार है। तो सबसे पहले क्या है कोई भी फिगर बनेगा तो हम उसको तो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन पे चेंज करेंगे ही, क्योंकि इसके मान लीजिए इसका जो भी दूरी रहेगा, ठीक है, तो उसको बनाएंगे ही। तो हम सिर्फ बताते हैं कि यहां कैसे बनेगा, अभी ध्यान दीजिएगा। अब उसको करना क्या है, इस जो भी हमारा फिगर रहेगा वर्ग और आयत के अलावा कोई फिगर आएगा तो उसको हम क्या करेंगे या तो वर्ग या आयत में हमको करना होगा। अब क्या करेंगे इसको हम एक बॉक्स में कर देंगे, ऐसे उठाएंगे और ऐसा खींचेंगे रेखा कि त्रिभुज कहा जाए उसके अंदर आ जाए, कहा जाएगा दोस्त त्रिभुज उसके अंदर आ जाएगा। तो मान लीजिए अगर त्रिभुज का नाम ABC होता तो इसका PQ देते, कोई बात नहीं, मतलब क्या हो गया दोस्त कि हमारा क्या हो गया कोई भी फिगर अगर वर्ग और आयत के अलावा आती है तो उसको हमको वर्ग या आयत में उसको कर देना है, जिससे क्या होगा हमारा फिगर क्या होगा, देखिए हमारा जो त्रिभुज का था एक आयत के अंदर चला गया, किसके अंदर चला गया आयत के अंदर, अब इसको आयत बनाएंगे उसके बाद वर्ग बनाएंगे त्रिभुज बनाएंगे। तो दोस्त ऐसे क्या करेंगे करेंगे अभी हम बताएंगे जब क्वेश्चन बनाएंगे और बताएंगे, पहले कुछ चीजें आपको क्लियर कराते हैं, ठीक है, क्योंकि रूल यही होता है, रूल में क्या होता है अगर आप रूल को समझ लिए तो क्वेश्चन
किसी भी चाहे मैथ का चाहे फिजिक्स चाहे केमिस्ट्री किसी का अगर रूल आप समझ लिए तो क्वेश्चन पूछ रहा नहीं जाता, सबसे मेन होता है रूल पढ़ना, ठीक है। मान लीजिए अगर आ गया ब्रीथ, अब ब्रीथ को बनाना इस पे, लेकिन हमारा कंडीशन क्या है, या तो वर्ग किसको भी क्या करेंगे किनारों को स्पर्श करते हुए क्या करेंगे एक बॉक्स के अंदर कर देंगे, ठीक है दोस्त, किनारों को स्पर्श करते हुए एक बॉक्स के अंदर। अब देखिए अगर ए बी सी डी, देखिए वृत्त कहाँ गया दोस्त, वृत्त कहाँ गया, वर्ग के अंदर आ गया ना, तो ऐसे क्या करना है वर्ग और आयत के अलावा अगर कोई फिगर आता तो उसको क्या हम उसको बॉक्स में भर देंगे, और जैसे बॉक्स भर जाएगा इसे बनाना हमारा क्या हो जाएगा आसान हो जाएगा। अब दूसरी बात बताते हैं, जब भी कोई वृत्त रहेगा, वृत्त की बात करते हैं, जब भी कोई वृत्त रहेगा तो वृत्त जब सममिति प्रक्षेप बनेगा तो कहा जाएगा दीर्घ वृत्त में चेंज हो जाएगा, किसमें हो जाएगा दोस्त दीर्घ वृत्त में बदल जाएगा, मतलब किसी भी वृत्त की परछाई प्रोजेक्शन क्या बनता है दीर्घ वृत्त बनता है, इतना याद रखना, ठीक है, कहा जाएगा दोस्त दीर्घ वृत्त बन जाएगा, जैसे इस पे बनेगा कहा जाएगा वृत्त हमारा किसमें चेंज हो जाएगा दीर्घ वृत्त में, ठीक है, सिर्फ वृत्त ही त्रिभुज त्रिभुज ही रहेगा, आयत आयत रहेगा, वर्ग वर्ग ही रहेगा, लेकिन वृत्त की कंडीशन क्या है जैसे इसका प्रोजेक्शन बनाएंगे तो किसमें चेंज हो जाएगा दीर्घ वृत्त में, इलिप्स में चेंज हो जाएगा, किसमें जाएगा दोस्त इलिप्स में, ठीक है। इतना हमारा क्या था ये रूल था, अगर आप 100% इस रूल को अगर आप ध्यान से समझ लेंगे तो आपको प्रोजेक्शन में कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं। तो दोस्त चलते हैं क्वेश्चन पे अपने, तो दोस्तों देखिए अब क्या है कि हमारा जो प्रोजेक्शन है अब बनेगा, अब हमने क्या है इसके रूल को बता दिया, रूल को एक बार समझ लिए, अब जैसे हमारा क्या होगा अब हम इसको क्या है कॉपी पे बनाकर दिखाएंगे, क्योंकि अब स्केल का जरूरत पड़ेगा तो बोर्ड पे बनाना क्या है थोड़ा सा वो बैलेंस उसका खराब हो जाएगा, इसलिए हम उसको क्या है कॉपी बनाकर दिखाएंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तो इसको क्या है इसको देखने बाद तुरंत आप देख लीजिएगा तो क्या मजा आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, और जस्ट ठीक है इसके नीचे देखिए हमारा अगला वीडियो आ जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी आ जाएगा, ठीक है दोस्त। तो अब क्या है हम उसको कॉपी बनाकर दिखाएंगे, इसमें हमारा चेहरा नहीं दिखाई देगा दोस्त, तो आप उसको समझिएगा, क्योंकि उसमें हम स्केल से बनाकर दिखाएंगे तो आपको और बेहतर समझ आएगा। तो दोस्त आज हम आपको एक सॉन्ग सुनाते हैं, ठीक है, तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी हर खुशी है, तू ही मेरी पहली ख्वाहिश, तू ही आखिरी है, तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी हर खुशी है, हर जख्म दिल से दुआ दे, हर जख्म दिल से दुआ दे, खुशियाँ तुझे गम मुझको खुदा दे, बुझ कर जो बुझ ना पाई ओ प्यास हो तुम मेरी जिंदगी है, तू मेरी हर खुशी है, तू ही मेरी पहली चाहत, तू ही आखिरी है, तू मेरी जिंदगी है। तो दोस्त आप मेरी जिंदगी हैं और हमारे सब जिंदगी माता पिता हैं, ठीक है दोस्त। तो चलिए आज के लिए इतना रहेगा, देखिए गाना तो सुनाते हैं बस इंटरटेन के लिए सुनाते हैं, हमको गाना कड़ी बाई कड़ी याद नहीं रहता, लेकिन उसका ध्यान मत दीजिएगा, बस इंटरटेनमेंट कीजिएगा और साथ साथ पढ़ाई भी कीजिएगा, ठीक है दोस्त, क्योंकि इंटरटेनमेंट साथ पढ़ना चाहिए, और जहाँ रहिए खुश रहिए हमेशा, और अपने लक्ष्य की तरफ हमेशा का है अग्रसर रहिए, बढ़ते रहिए, रेगुलर बढ़ते रहिए, रेगुलर कुछ ना कुछ करते रहिए, ठीक है दोस्त। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में जहां हमारा चेहरा नहीं दिखाई देगा। तो अब तक दोस्त इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे क्या कोई भी वीडियो डालेंगे सबसे पहले नोटिफिकेशन दोस्त आपको पहुंचेगा, सिर्फ आपको, ठीक है, चलते हैं, जय हिंद।